तुम सिड के नेशनल रिकॉर्ड के बिल्कुल करीब हो। थोड़े और प्रैक्टिस से सिड को हरा सकते हो। बहुत उछल रहे हो तुम लोग। इतने जल्दी क्या है, पहले मुझसे तो जीत कर दिखाओ। चार्ली, हम सब एक टीम में हैं। हमें एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि तुम डरते हो मुझसे मुकाबला करने में? डर और तुमसे, बस तुम्हें हारने का मौका नहीं देना चाह रहा था चार्ली। आर्यनगर खेल प्रतियोगिता में सभी का स्वागत है। अब मैं हमारे स्कूल की तरफ से राजनगर स्कूल की टीम का स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि राजनगर स्कूल के कप्तान हमारे नेशनल चैंपियन सिद्धार्थ मंच पर आएं। चलिए हम सब तालियों से सिद्ध का स्वागत करते हैं। कुछ तालियां बचा के रखना मेरी जीत के बाद बजाने के लिए। ये सिद्ध कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। पहला रेस है सैक रेस, मतलब कि बोरी दौड़। बोरी में दोनों पैर रखकर ट्रैक के इस ओर से दूसरी ओर तक खिलाड़ियों को कूदते हुए जाना होगा। जो सबसे जल्दी पहुंचेगा, वही रेस जीत जाएगा। बोरी दौड़ शुरू। 1, 2, 3, go! सिर्फ लंबी छलांगे लेते हुए सबसे आगे है। राजू, हम पीछे चल रहे हैं। चलो अब और जल्दी छलांग मारते हैं। सिड की लंबी छलांग को राजू बराबर टक्कर दे रहा है अपनी तेजी से। राजू, राजू। सिड और राजू अंतिम रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। प्रतियोगिता है प्रोग्रेस। खिलाड़ियों को मेंढक की तरह फुदकते हुए भागना होगा। गोपी, हमें जीतने के लिए जल्दी जल्दी छलांगे मारनी होगी, लेकिन ध्यान से, फिसल गए तो गिर सकते हैं। ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। देखते हैं। रेडी स्टेडी 1, 2, 3, go! सिड को हर हाल में ये रेस जीतना है और राजू पूरी कोशिश कर रहा है कि सिड को जीतने का मौका ना दे। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सिड तेजी से भाग रहा है। राजू आगे, अब सिड लीड में है। राजू फर्स्ट, अब सिड फर्स्ट। गोपी, तुम जाओ। राजू, मैं ठीक हूँ। वजह से राजू जीतते जीतते ये रेस हार गया। तो फ्रॉग रेस का विजेता है सिड। वाह, ये सिड। माइटी राजू हार गया, मतलब वो अपने माइटी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है।
ओके बॉस, यही मौका है माइटी राजू पर वार करने का। मेरा खूंखार रोबोट लगभग तैयार हो गया है। ये रोबोट बिल्कुल सिड की तरह दिखना चाहिए और बात करना चाहिए। ये असली सिड के बदले रेस में भाग लेगा और राजू को ट्रैप करेगा, मेरे पास ले आएगा। ये रोबोट बहुत बदसूरत है, सिड की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैंने एक स्पेशल मास्क बनाया है। देखा देखा, अब इसे प्लान समझाना होगा।